चलिए देखो, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में, इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली आपको यहीं से भी यूज करना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमेशा फायदेमंद होता है? उसका एक छोटा सा देखो न्यूमेरिकल। तो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो, मान लो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मेरे पास एक ये सेल है 100 वोल्ट, 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, यहां पर हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस है मान लो 3 ओम। करंट बोलो, तो करंट हमारे पास आया कितना? I, this is equals to E by R plus R, बोले तो 100 by 3 plus 2, 5, बोले तो 20 एम्पीयर। ठीक, अबे सुनना, मैंने एक और सर्किट देखा। यहाँ पे मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, मेरे पास 1 ओम का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मेरे पास मान लो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। करंट निकालो सर्किट में, आई की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 10/3 एम्पियर। अभी रुक जाओ, अब मैंने ना क्या किया, मेरे घर में ना, तुमने सेल देखे, बैटरी क्या सेल ही तो है। हमारी घड़ी, हमारे लैपटॉप, हमारा मोबाइल फोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो सारे के सारे बैटरी से तो चलते हैं। सभी बैटरी का तुमने देखा होगा, जो घड़ी में सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है ना, अधिक क्या किया मैंने, 1.5 वोल्ट का सेल उठाया। सेल बेसिकली एक बैटरी है, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक, एक मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी वो रखी थी, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आराम से सुन, यहाँ पर मैंने एक और 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। देखो, ये 10 वोल्ट की बैटरी एज इट इज थी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। मैंने एक और 10 वोल्ट की बैटरी लगाई इसके संग, इसका भी 1 ओम, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस एज इट इज है। ये लोड कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। बोलो करंट बताइए, अब कितना करंट आया? अगर ऐसे दिक्कत आ रही है निकालना तो केवीएल लगाओ, पूरे सर्किट में करंट फैला दो। आई की वैल्यू प्लस माइनस, करंट यहां से एंटर करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ए पॉइंट बोलो, जल्दी स्टार्ट करो, घूमो ऐसे। वी ए, सब अच्छे बोलेंगे बेटा, माइनस 2i माइनस i प्लस 10 माइनस i प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू वी ए। वी ए वी ए विल कैंसिल आउट। अब देखो 2i i i 4i माइनस का 4i, 10 प्लस 10 तो 20, दिस इज इक्वल टू 4i, i की वैल्यू 5। ओके, यहां से i की वैल्यू आई 5 एम्पीयर, यहां से i की वैल्यू आई 3.3 समथिंग एम्पीयर। आराम से सुन, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। यहां पे मेरे पास कितनी 1 वोल्ट की बैटरी मान लो, 1 वोल्ट की बैटरी रखी थी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मान के चलते हैं। मेरे पास एक बैटरी रखी है घर में, ऐसी पड़ी थी, मुझे यहां से देखा कि करंट बढ़ गया, मैंने इसको उठा के इसमें लगा दिया। लगा के देखते आओ, एक बारी ये वाली बैटरी 100 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो, और जो मेरे घर में बैटरी है 1 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम का है। मान ली लोड कितने ओम का लगाया हुआ? 3 ओम। चलो अब सर्किट देखो, करंट देखो, दोबारा आ जाओ, ए पॉइंट से स्टार्ट करो, घूम के वहीं पर आओ। जल्दी जल्दी बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। जल्दी आ जाओ, बी ए आई करंट है माइनस 3i माइनस i माइनस 2i तो माइनस 6i, और ये बना माइनस प्लस प्लस 1 वोल्ट माइनस प्लस प्लस 100 वोल्ट तो 101। तो i की वैल्यू कितनी है? 101/6। आई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूं यहां से, 101/6। 101/6 को डिवाइड करके देखो एक बार, 101/6 को डिवाइड करके देखो,
जल्दी जल्दी 16.8 पूरा ढंग से सॉल्व कर। आईटी वाले 20 एम्पियर है, यहां पे देखो 101/6 16.8 चलो 16.8 एम्पियर। दोनों में आपने क्या किया, बैटरी को उठाया, सीरीज में लगाया, सपोर्ट में लगाया। आपने ये सोच के कि हमने कुछ अच्छा किया, क्योंकि हमारे पास एक बैटरी बेकार पड़ी थी, उठाया लगा दिया। दोनों सर्किट डायग्राम आपके सामने, ये देख के बताओ किसमें फायदा हुआ किसमें नुकसान हुआ। इसमें करंट कितना था पहले, 3.3 एम्पियर। बैटरी लगाने से करंट बड़ा घटा, बड़ा। इसमें करंट पहले कितना था, जो एक वोल्ट की बैटरी रखी थी उसके लगाने से करंट बढ़ा या घटा। तो फायदे का सौदा हुआ, घाटे का सौदा हुआ। इसमें फायदा क्यों हुआ, इसमें घाटा क्यों हुआ, अब ये रीजन समझ कि कभी भी तूने भावनाओं में ढह के बैटरी लगा दी, और ये तूने तेरी, देखो तेरी इंटेंशन अच्छी थी कि शायद मुझे प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट हमेशा तभी होगा, मतलब सेल्स को सीरीज में लगाओगे, जब सभी की सभी सेल्स इक्विवेलेंट होगी, मतलब बराबर सेल्स को आप सीरीज में लगाओगे, तभी आपका जो सर्किट होगा नेट इफेक्ट, नेट रिजल्ट इंक्रीज मिलेगा। तो आप लोग समझना कि जब भी ये कॉम्बिनेशंस लगाते हैं ना सेल्स के, बहुत सारी सेल्स की कॉम्बिनेशन को बैटरी बनाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी सेल उठा के प्लेस कर दिया और बैटरी बना के तैयार कर दी। देख बैटरी ये भी बनी, बैटरी ये भी बनी, बट इसमें फायदा हुआ इसमें नुकसान हुआ। अब वो नुकसान हुआ तो हुआ कितना, अब ध्यान से देखो, इस केस में इस बैटरी ने एनर्जी दी, यानी हम बोलेंगे सपोर्ट कर रही है बैटरी, बैटरी सपोर्ट यहाँ पे भी कर रही है। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ए देख इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्शियल के लिए लगाऊं, लगाओ एक बार बी ए, जल्दी बोलो बी ए माइनस वन माइनस प्लस प्लस आई 16.8 इंटू आर बोले तो वन, तो 16.8 नहीं आया इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB बोलो माइनस 15.8। इस सेल ने एनर्जी दी सर्किट में या एनर्जी ली, एनर्जी ली, नहीं आया, क्योंकि इसका पोटेंशियल देखो, इसका पोटेंशियल माइनस में आ रहा है इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस। तो बेसिकली इसने जो इसका काम हमने सोच के क्या लगाया था कि ये सर्किट में एनर्जी देगा, बट अल्टीमेटली क्या किया, इसने एनर्जी कंज्यूम करी। तो फायदा नुकसान, तो जब भी आप लोग सेल्स को कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो क्या सोचिए लगाओगे कि सभी की सभी सेल्स सेम होनी चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन की होनी चाहिए, तो ही तेरा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। एल्स जो तूने सोचा है अच्छे के लिए वो गंदा भी हो सकता है रिजल्ट, और रिजल्ट आपके सामने। बात समझ में आ गई। तो अब जब भी आप सेल्स इन सीरीज लगाओगे, तो वैसे तो हम E1 E2 E3 E4 ऐसे मान के चलेंगे कि देर आर एन सेल्स, बट एक दिमाग में हमारे बात होनी चाहिए कि ये एन सेल्स कैसी है, पैरेलल है, अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी वैल्यू सेम है, ऐसा बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, 100 वोल्ट के एक वोल्ट की है, तो वो इफेक्टिव हमारा नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्टिव हमारे कोई यूज होने वाला नहीं। बोलो ये चीज़ समझ में आई, पक्की बात। अब सेम यहाँ से हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि सेल्स को सीरीज में कैसे लगाया जाए और सेल्स को पैरेलल में कैसे लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा तो तुम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। देखो सेम पार्शियल केवीए लगानी है, या तो केवीए लगानी है या पार्शियल केवीए लगानी है, और दोनों में तुम एक्सपर्टीज कर चुके हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी पहुंचना आता आपको, और घूम के उसी पॉइंट पर भी आना होता है। तो आपस क्या होगा, जहां पर एक बैटरी लगी है वहां पर एन बैटरीज को लगा देंगे, एन बैटरीज लगेगी तो क्या एन इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएंगे, सभी सेल्स को सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ईएमएफ देखेंगे कि वो सपोर्ट करिए या अपोज करिए, सपोर्ट करेगी तो नेट इक्विवेलेंट जो बैटरी होगी वो ऐड हो जाएगी, सपोर्ट करेगी तो घटती चली जाएगी। पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, पोटेंशियल। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, बट जो जब सभी की सभी सेल्स को हम पैरेलल में लगाएंगे तो आर इक्विवेलेंट घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। बस वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन आप चेक कराते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, बात वही, मान लो देर आर एन सेल्स, सभी के सभी सेल्स हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, और हमने ऐसे कनेक्टेड कर दिया। बच्चों ध्यान से सुनना, ये E1, ये R1, E2, R2, और ऐसे करते 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 कितनी सेल्स लगाई बच्चों हमने,
एन आर एन। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ये दो टर्मिनल बन गए, अब ये पूरी की पूरी एक बैटरी बन गई ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो ये टर्मिनल बन गए, अब इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या चीज लगानी होती है? लोड। अब वो लोड लगाएंगे हम, उसको यूज करेंगे, पंखा कूलर जो चलाना है वो चलाओ। तो आपने यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने बोला था कि सभी का एक इक्विवेलेंट बनाना होता था रेजिस्टेंस में, ऐसे हमें यहाँ पर भी इक्विवेलेंट बनाना है। तो अब क्या करें, एक पॉइंट को चूज कर लूं, पूरे सर्किट में एक ही करंट दौड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा कि ये बैटरी मैंने कैसी पोलैरिटी के साथ लगाई है। बट अभी मैंने देखो क्या सीक्वेंस बनाई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ जाए, मतलब इस वाली बैटरी को मैं रिवर्स कर दूं, बात समझ में आ रही? तो पोलैरिटी चेंज भी कर सकता हूं, बट अभी के लिए हम ये मान के चले प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे हम लोगों ने सभी बैटरीज का कॉम्बिनेशन लगा दिया, और टोटल कितनी सेल्स है एन। अब चलो यहां से स्टार्ट करो, मान लो सर्किट में करंट आई दौड़ रहा है, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों आ जाओ वी ए प्लस माइनस माइनस आई इनटू आर, ये आर लोड रेजिस्टेंस है बच्चों। चलो उधर चलो, करंट ऐसे एंटर किया है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज माइनस दिस इज प्लस, सब लगाते चलो सीरीज में, जल्दी बोलो प्लस से माइनस माइनस आई इनटू प्लस ई एन, और ऐसे करते करते यहां पर आ गए, बोलो माइनस आई इनटू आर टू प्लस ई टू माइनस आई इनटू आर वन प्लस ई वन दिस इज प्लस टू बी ए। देखो बी ए बी भी कैंसिल आउट, ध्यान से देखने वाले क्या बात है, आई 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 सब में से कॉमन ले लो, माइनस आई कॉमन ले लो, मैं तो ये कह रहा हूं। इधर से देखो e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 अप टू en सब एडिशन में, ये जो माइनस वाली टर्म है उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, देखो ध्यान से e1 plus e2 अप टू en दिस इज इक्वल टू, उधर लेके चले जाओ i r plus nr, नहीं आया भाई r1 plus r2 plus r, अच्छा इसको ऐसे कर दो, चलो अभी के लिए R1 plus R2 plus R3 up to Rn। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो E1 plus E2 पर अभी सभी की सभी cells are identical cells। Identical cells का मतलब समझ में आ गया कि सबका EMF same, सबका internal resistance same। तो equivalent क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। N into E। This is equals to I R plus nr, तो i बोलो ne by r plus, सिंपल सी बात है कि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो इन सभी सेल्स को हटा के एक सेल बनानी थी, एक सेल बनानी थी, उस सेल को हमने बोला e equivalent। सभी रेजिस्टेंसेस को हटा के हमें एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना था, जिसको हमने क्या बोला r equivalent। और यहाँ पर तो हम लोड लगाएंगे ही लगाएंगे, सेम वही लोड आर। बोलो करंट क्या आ गया, करंट का फॉर्मूला बोलो आई दिस इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस, नहीं आया बच्चों? अब ये वाला देखो सेम सर्किट है, सेम सर्किट का मतलब समझ में आ गया कि जो रोल ये देगा वही रोल ये देने वाला है। इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करो, आई आई E equivalent यहाँ पे कितना आ जाएगा N into E, वहाँ पे R equivalent किसके बराबर आ जाएगा N into R, नहीं आया? तो E equivalent किसके बराबर आ गया N E, और R equivalent किसके बराबर आ गया N R, खत्म, cells in series। अब इसमें थोड़े से cases चलेंगे वो discuss करते हैं, अब सुनो। तो जब हम लोगों ने देखा series combination में, series combination में हम लोगों को चीजें समझ में आई कि E equivalent N into E times हो जाएगा और R equivalent N into R times हो जाएगा, सिंपल। अब एक छोटा सा मॉडिफिकेशन देखो, एक वैसे बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि लेट्स सी मेरे पास 10 सेल्स है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी सुनो, मैंने बोला 10 मत लेके चलो, अभी के लिए 5 मान के चलो कि मेरे पास 5 आइडेंटिकल सेल्स है, बोलो ई आर ई आर ई एंड आर
ई एंड आर कितनी हो गई, चार, और एक ही हो गई ई एंड आर। इसका इक्विवेलेंट बनाओ जल्दी बोलो, 5e इंटू 5 मतलब 5r। अब क्वेश्चन सुनो, बोला गया इसमें से एक सेल को रिवर्स कर दिया है। आराम से सुन बिल्कुल तसल्ली से, क्या बोला, पहले आइडेंटिकल सेल्स थी, पॉजिटिव नेगेटिव देखो सिमेट्री के साथ लगाए गए हैं। अब बोला गया इसमें से एक सेल को रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब समझ में आ गया, पोलैरिटी चेंज कर दी, जो पहले लोअर पोटेंशियल था उसको हायर बना दिया, जो हायर था उसको लोअर बना दिया। अब बोला गया अब निकालो, वेरी गुड, कितना आया 4e। और बोलो, ध्यान से बोलो, चलो अभी अपन देखते हैं, रिवर्स करनी है, आओ यहाँ पे 3, सोच ले आराम से, जल्दबाजी की चीज है बेटे, 3 है, परफेक्ट, ये आंसर ठीक है। और रीजन भी समझ में आया, देखो जब आप लोग इसको अभी ध्यान से सुनना, जब आप यहाँ से यहाँ चल रहे थे तो माइनस से प्लस, प्लस ई, माइनस से प्लस, प्लस ई, तो ई प्लस ई, 2e, 3e, 4e, 5e, तब जाके तो 5e आया ना। अब सोचो मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, और ये तो प्लस से माइनस, माइनस ई, माइनस से प्लस, तो माइनस ई प्लस ई कैंसिल आउट, तो एक के रिवर्स करने से कितनी बैटरी खत्म हो गई, अगर आइडेंटिकल है तो बची कितनी। अब सोच क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वर्बली सुनना आंसर वर्बली देना, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सेम पोलैरिटी, आउट ऑफ एन एम सेल्स आर रिवर्स, नेट इक्विवेलेंट बताइए, एनी माइनस 2ME, भाई कितनी सेल्स रिवर्स करी है, एम ना, और हर एक सेल का इक्विवेलेंट मतलब हर एक सेल का वो कितना है एम एम ई, तो 2ME माइनस हो गया ना, इसमें कितना था ई, तो माइनस कितना किया 2E, तो उसमें एम नंबर ऑफ सेल्स रिवर्स कर दी, तो जो माइनस होगा वो 2ME हो जाएगा ना। अब सुनो एन आइडेंटिकल सेल्स की बात कर रहा हूँ, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, connected in series out of which m are reversed, jaldi bolo e equivalent kitna aayega, n into e jo total tha minus ho jayega 2me, nahi aaya bachcho, r equivalent bolo, r equivalent mein koi farak padne wala nahi, ye to hum log ne pehle din ke lecture mein dekh liya tha circuit theory mein, कि हम लोग किसी भी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस को कहीं पर भी उठा के लेके जा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ब्रांच के ब्रांच में शिफ्ट करेंगे, तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाऊं, इसको उठा के यहाँ पे लगाऊं, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी NRE ही होगा, नहीं आया बच्चों, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ये पोलैरिटी को रिवर्स करके आते सीरीज में, तो हमें इतनी ही छोटी अप्रोच लगानी कि जब भी पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाती है तो जितने नंबर ऑफ सेल्स को रिवर्स किया है उसका डबल नेगेटिव हो जाएगा, बात समझ में आ गई, दैट्स इट। अच्छा एक चीज और बताऊं, कभी कभार ऐसे आएगा दो सेल्स को दे देंगे अलग अलग पोलैरिटी में, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोग हर पॉइंट पर KCL के लिए लगाओ, खत्म। हाँ बट अगर आपको लगता है कि सर इजी अप्रोच है सेल्स को कंबाइन कर लेते हैं, देखो बिना कॉम्बिनेशन करे भी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि एक दो नंबर का क्वेश्चन होता है तो वर्बली हो जाता है सेल्स का, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा होता है। अब मुझे एक बार तो अगर दो सेल्स को मैं से वो लगाऊं सीरीज में, ध्यान से सुनना, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2 सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, सपोर्ट करेगी, माइनस प्लस प्लस E2 माइनस प्लस प्लस E1, तो नेट इक्विवेलेंट कितना बन गया E1 प्लस E2। अब अगर मैंने रिवर्स पोलैरिटी कर दी तो सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, तो E इक्विवेलेंट जब भी बनाना होता है, E इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक बैटरी, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक ही बैटरी बनानी है। और वो बैटरी भाई ऐसी भी बन सकती है, और वो बैटरी ऐसी भी बन सकती है, यानी इसके जैसी भी बन सकती है और इसके जैसी भी बन सकती है, वो कब, अगर EMF E का EMF बड़ा होगा तो नेट इक्विवेलेंट इस जैसी बनेगी, क्योंकि E1 उसमें डोमिनेट करेगा, और अगर E2 ज्यादा होगा तो
ऐसे न्यूमेरिकल हमने बहुत किए, घबराओ मत, एक ही ब्रांच में दो दो बैटरी लगाई थी, तो बोला गया था वहाँ पे डायरेक्ट, मतलब ये सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, तो आप लोग प्लस माइनस करके दिखा देते कि हाँ सर सपोर्ट करेगा या अपोज, दो बैटरी को एक ही बैटरी में कन्वर्ट करना आता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ होता है ना, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ मैं कराऊंगा, उसको देख लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सीबीएसई में दो से तीन नंबर में प्रूफ पूछा जाता है और 90-95% बच्चा अटक जाता है प्रूफ। तो आई टेल यू कि प्रूफ कैसे करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको, बताइए यहाँ तक समझ में आया। चलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल देखते हैं। अब देखो बच्चों, पैरेलल में आप लगा तो एन सेल्स सकते हो, थ्री सेल्स सकते हो, चार लगा लो, पांच लगा लो, छह लगा लो, जो तरीका मैं दो में लगाऊंगा वही तीन में लगने वाला है, वही चार में लगने वाला है, वही एन में लगने वाला है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि देर आर टू सेल्स टी वन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, ठीक, ये दूसरी सेल ई टू और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कनेक्टेड इन पैरेलल, और इनके अक्रॉस हमने वही लोड रेजिस्टेंस लगा दिया अपना आर। अब हमें करना क्या बच्चों, करना वही है बच्चों, इन दोनों बैटरी को हटा के एक ही बैटरी बनानी है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस निकालना, जैसे वहां पे करते थे हम लोग। तो इस बैटरी को हटा के एक बैटरी लगाएंगे, दैट इज ई इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, दैट इज आर इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस अपन को लगा देना है लोड रेजिस्टेंस। जल्दी बोलो करंट कितना आएगा, करंट के वैल्यू बोलो, E equivalent by R plus R equivalent। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुना बच्चों, प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं। अब अपन को क्या करना है बच्चों, सिंपल सुनो, मान लो यहाँ से करंट I1 निकला, यहाँ से करंट I2 निकला, तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट गया बच्चों, I1 plus I2। क्या I1 plus I2 को मैं I मान सकता हूँ? सिंपल सी बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे तीन सेल्स लगा दी तो I1 plus I2 plus I3 I हो जाएगा। सोचो 10 सेल लगा दी तो I1 plus I2 plus I3 अब तो I10 I के बराबर हो जाएगा। सोचो N लगा दी तो I1 plus I2 plus I3 अब तो IN N हो जाएगा। सिंपल, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे I वैल्यू मान ली और I किसके बराबर है बच्चों, I1 plus I3। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट मान लो E, अब जितनी आपने ब्रांचेस लगाई है ना बच्चों, जितनी ब्रांचेस लगाई है उतनी इक्वेशन बना ली, मतलब जितनी सेल्स बनाई है उतनी इक्वेशन बनाओ। इक्वेशंस बनाने का तरीका सुनना, उस सेल को तो कवर करोगे करोगे, साथ के साथ इस लोड को भी हर बार में लेके चलोगे, यानी एक लूप ये बनेगी, एक लूप ये बनी, तीसरी बैटरी लगाएंगे तो तीसरी लूप भी बन जाएगी और एन बैटरी लगाएंगे तो एन लूप्स बनती चली जाएगी। यानी दो लूप, दो बैटरी है तो दो इक्वेशन बना दो, तीन बैटरी है तो तीन इक्वेशन बना दो, एन बैटरी है तो मैं तो दो से कर देता हूँ, बाकी सब लगा लेंगे कि सेम 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 वही स्टेप्स फॉलो करना है, खत्म। आ जाओ पहले इस पूरी बड़ी वाली लूप में लगाओ, इवन वाली टर्म्स में, सब बच्चे ईमानदारी से अपने आप बोलेंगे। आ जाओ VA से स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे घूमते हुए चलेंगे, ध्यान रखना। चलो माइनस आई आर, आई से लिख दिया मैंने, चलो आगे बोलो आर बड़ा, हाँ चलिए कैपिटल आर, आगे बोलो ऊपर चले गए माइनस आई वन आर वन। बाबू इस वाली लाइन में देखो आई वन, यही गलती करेंगे बच्चे मैक्सिमम टाइम्स। तो माइनस आई वन आर वन प्लस ई वन इक्वल टू वी ए, प्लस ई वन इक्वल टू वी ए, देख वी ए वी ए तो उड़ा देगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्या करो, इस इक्वेशन को ना आर वन से डिवाइड कर दो, बस ये पॉइंट याद रखना आपको, हर स्टेप जिस भी ब्रांच में निकाल रहे हो ना उसी के इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करो। आ जाओ डिवाइड बाय आर वन लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय R1। चलो आ जाओ बोलो क्या अपना, माइनस आई आर बाय आर वन माइनस आई वन माइनस, उधर ले जाओ माइनस ई वन बाय, ध्यान से देख सब में माइनस कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, ई वन आर वन इज इक्वल टू आई आर बाय आर वन प्लस आई वन। अब बच्चों इसी के एनालॉग की दूसरी इक्वेशन बिना केवीएल लगाए बोलो कैसी बनने वाली है, ए टू बाय आर टू आई आर बाय आर टू प्लस आई टू आई थ्री, बोलो मतलब
थर्ड इक्वेशन होती तो देन है ना, मैं कह रहा हूँ क्या एन इक्वेशंस नहीं लिख सकते आप, बस सेम वैल्यू क्या चेंज होगी, बस ईवन की जगह ई टू आ जाएगा, आर टू की जगह मतलब आर वन की जगह आर टू आ जाएगा, जल्दी बोलो ई टू बोलो, सेम सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई टू बाय आर टू आई आर बाय आर टू प्लस आई टू, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों को ऐड करो, देखो ऐड करो, ऐड करके देखो ई वन बाय आर टू प्लस ई टू बाय आर टू, अब टू ई एन की भी लिख दो, ई एन बाय आर एन दिस इज इक्वल टू आई एन टू आर बाय आर एन प्लस आई एन, ये nth इक्वेशन मान ली, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू n, चलो देखो जब ऐड करेंगे तो क्या मिल गया हमें, e1 by r1 plus e2 by r2 plus up to en by rn, ठीक बच्चों ध्यान से देख इसमें से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, ir कॉमन है, ir कॉमन है, ir कॉमन है, तो ir को कॉमन लेके आ दो, ir कॉमन आ गया बच्चों 1 by r1 plus 1 by r2 plus up to 1 by rn, चलिए प्लस I1, I2, I3, I4 up to IN, ये क्या बना? I, भाई इसी को तो I माना था हम लोग। I1 plus I2 plus I3 up to IN क्या बन जाएगा? I plus I. जब मुझे इसके साथ कंपैरिजन करने इक्वेशन को, तो यहाँ पर I की वैल्यू है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल ले। अब देख इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली कैसे छोटा कर सकता हूँ? याद करो ये समीशन में है सारी चीजें। तो जब भी हमें एडिशन करना होता है तो हम मैथ्स में ऐसी चीजें लिख देते हैं, समेशन का सिंबल होता है, तो हमने क्या बोला इधर देखो ध्यान से, समेशन ऑफ ई आई बाय आर आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 टू n, वो लिख सकता हूं ये सर इज इक्वल टू, इधर आ जाओ बच्चों तुम बोलो तो आई अभी कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लिया, आर मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ तो रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, समेशन ऑफ 1 बाय आर आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू नहीं आई, यहां से आई कॉमन ले चुका हूं तो प्लस 1, ये बताओ ये इक्वेशन आई क्या समझ में पक्का? अब देख क्या करना है, मुझे तो आई चाहिए तो यहां पे आई को इधर रखो, बाकी टर्म्स को डिवाइड कर दो, फिर कंपैरिजन कर दे कि क्या इस इक्वेशन के बराबर ये इक्वेशन बनी, अगर बनी तो जो ऊपर न्यूमरेटर में होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट, जो कैपिटल आर के साथ एडिशन में होगा वो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, काम करता है, पहले आराम से इसको एनालाइज कर देखो, बस सिंपल सा स्टेप है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाते बनाते हमें क्या याद रखना है, जो इस वाली लाइन में हमें केवीएल लगाना है उसी वाले इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, देखो फिर आगे सॉल्व कर, ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से आई की वैल्यू ले लो, तो आई की वैल्यू देखो क्या की आई दिस इज प्लस टू समेशन ऑफ ई आई बाय आर आई, आई की वैल्यू 1 से n डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ गया, आर समेशन ऑफ 1 बाय आर आई, आई इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1, अब सोच के देखो क्या इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, अभी ध्यान से देखो क्या दिक्कत आ गई, वहां पे r इनविजिबल था, यहां पे r के संग ये वाला फैक्टर आ गया, सोच मुझे ये वाले फैक्टर को हटाना है, भाई r मुझे अकेला चाहिए ना, इसके साथ कंपैरिजन चाहिए तो r को अकेला कैसे करूं, जो r के संग है ना उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, काम खत्म, देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आ जाओ आई की वैल्यू देखो, अब इसी वाले फैक्टर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, तो देखो क्या बना, समेशन ऑफ ई आई बाय आर आई बाय 1 बाय आर आई, आई की वैल्यू 1 टू n डिवाइडेड बाय, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, खाली r बचा, तो r प्लस 1 बाय समेशन ऑफ r i, i की वैल्यू 1 टू n, अब कंपेयर कर,
आप कंपेयर करके इक्वेशन आ गया। आप सुन ध्यान से क्या आया, ये पूरा का पूरा फैक्टर बना E इक्विवेलेंट, ये पूरा का पूरा फैक्टर बना R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट में टेंशन मत ले, R इक्विवेलेंट अभी भी पैरेलल वाली रहेगा, 1/R1 + 1/R तो सॉल्व करके देखिए वही मिल जाएगी भाई। ये क्या है 1/1/R, इधर देखो 1/1/R है। तो सोचो अगर R1, R2, R3 आए तो कैसे लिखोगे, तो 1/1/R1 + 1/R2 + 1/ ऐसे तो लिखोगे, 1/1/R1 ऐसे लिखोगे ना। हाँ, इनको ऐड करो 1/R2 एलसीएम लो, तो R1, R2 नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इधर R2 चला गया, इधर R1 चला गया, R1, R2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो R1, R2 / R1 + R2 किसका देखा था ये रिजल्ट, पैरेलल। तो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रिजल्टेंट वही रहेगा, रेजिस्टेंस का टेंशन मत ले। इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब बहुत सारी किताबों में मिलेगा तुझे ये फॉर्मूला, E1/R1 + E2/R2 / 1/R1 + 1/R2 से ये इक्विवेलेंट आ गया। डराने के लिए सिंपल सी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देख कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी बता देता हूँ, और तुम खुद बताओगे कैसे करोगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। सोच आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल दे दिया जाए, ये E1 मान लो वैल्यू रख लेता हूँ 4 volt, 2 ohm, ये 2 ohm, ये 6 volt, ये 3 ohm। मेरे से बोला गया फैंक करने नीचे ब्रांच निकाल सकते हो, ये से नो बोलो कैसे करोगे, जीरो मानो स्टार्ट करो। अरे बोलो भाई, ये जीरो मानो, यहाँ से जीरो से प्लस से माइनस, -4, ये जीरो, ये -6, यहाँ फंस गए तो एक्स मानो, I1, I2, I3 निकाल दो। ये सिंपल तरीका जो अपन करके आए थे। अब वो लोग क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ, कई बार CBSE में रिकमेंडेशन आ जाती है क्या कि इस वाले में करंट इन ईच ब्रांच कैलकुलेट करो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स इन पैरेलल, तब तेरी मजबूरी हो गई कि तुझे यही अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब इसमें क्या हो गया, ये देख, फिर एक चीज और बताया था कि आप किसी भी ब्रांच को ऊपर नीचे कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसके कनेक्शन ब्रेक ना करे। ये जो आर है ये इसी वायर के साथ तो कनेक्टेड है ना, कौन कहता ये ऐसे बना, मैंने तो इसको हटाया यहाँ से, बोलो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देख ये वाला और वो जो सर्किट डायग्राम था वो सेम ही तो बन गए, अब ये दोनों पैरेलल ही तो आ गए। तो देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 4/2 + 6/3 / 1/2 + 1/3 सॉल्व करके जो आएगा वो इक्विवेलेंट आ गया। 1/R1 + 1/R2 करोगे वो R इक्विवेलेंट आ गया, डिवाइडेड बाय R कर दोगे काम खत्म। मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल हर एक न्यूमेरिकल होता है, कोई ऐसी नहीं है कि तू न्यूमेरिकल नहीं कर सकता, बट कई बार हमें पूछा जाता है जो कि हमें CBSE की भी पढ़ाई करनी होती है, तो हमें CBSE में रिकमेंडेशन कर दिया जाता है कि इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करो बाय दिस मेथड ओनली। यानी वहां पर अगर आप लोगों ने ये जीरो वाला मेथड लगाया तो शायद एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके नंबर ना दे, कोई अच्छा एग्जामिनर बैठा होगा तो वो समझ लेगा कि बच्चे को आता है, हो सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक ना करे तो वो पट 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 नंबर दे देते हैं। बट इन केस अगर रिकमेंडेशन ही है कि भाई तुझे इसी मेथड से निकालना है तो तेरी मजबूरी है बेटा, तुझे हर एक मेथड का पता होना चाहिए CBSE के लिए। बोलो समझ में आया, दैट्स इट। ये हमारे था सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक होता है एकदम मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब समझो, ऐसे सीरीज में भी लगा देंगे और पैरेलल में भी लगा देंगे। वर्बली बोल के देखने की कोशिश करना, मान लो मेरे पास n सेल्स इन सीरीज लगा दी, आइडेंटिकल सेल्स, तो एक ब्रांच में EMF बोलो, रेजिस्टेंस बोलो, सब अच्छे बोलो यार, और ऐसी ऐसी है ना मैंने m ब्रांचेस लगाई है, m ब्रांचेस, तो E equivalent बोलो, ध्यान से बोलो, एक एक ब्रांच का कितना है, दूसरी ब्रांच का भी कितना है, तीसरी ब्रांच का भी, चौथी ब्रांच का भी, सब क्या है किसमें है, तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहता है, टेंशन मत ले n नहीं आएगा, सॉल्व करके देख, सॉल्व करके देख n नहीं आएगा, अभी मैं सॉल्व करा देता हूँ, बट वर्बली भी बता सकता है कि n नहीं आने वाला है। अच्छा, एक वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस बोलो, दूसरी में, तीसरी में, सब किस में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट बोलो, NR / R,
अरे आर बाय एन नहीं आया ना पक्का सोल्व करके देख लो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा एन ई आर इक्विवेलेंट एन आर बाय एन तो आई कितना हो जाएगा सर्किट में एन ई बाय कैपिटल आर प्लस एन आर बाय एन एन को इधर लेके आ जाओ ऊपर एन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो आई करंट कितना आ जाएगा एम एन ई डिवाइडेड बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर दिमाग में नहीं आया क्या पढ़ा रहा है मैं करा देता हूँ मिक्स ग्रुपिंग चलिए सब तो अपने अप्लाई करो डायग्राम बना रहा हूँ ई आर आइडेंटिकल सेल्स है एम इन सीरीज एम इन पैरेलल करो भाई बुक खोलो कॉपी खोलो अपनी ई आर ऐसे करते करते एन सेल्स है बच्चों ये दीज आर एन सेल्स और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में एम सेल्स लगाइए एम रोज लगाइए ऐसे 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 एम लगाइए और इनके साथ लोड रेजिस्टेंस लगा दिए कैपिटल आर चलो भाई जल्दी बोलो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा इक्विवेलेंट का मतलब एक बैटरी एक रेजिस्टेंस और एक लोड रेजिस्टेंस फाइंड आई इन द सर्किट जल्दी इधर देखो एक सेल में लगाओ पहले एन ई और रेजिस्टेंस एन आर दूसरी में भी बोलो एन ई और रेजिस्टेंस दो के लिए सॉल्व करके दिखा दो सोचो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय तो ई वन की वैल्यू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एन ई डिवाइडेड बाय एन आर ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन बोले तो एन आर प्लस वन बाय सॉल्व करके देख नीचे एल से महीना आ जाएगा इधर कितना आएगा टू ऐसे क्या देख लो भाई नीचे सोल्व कर दे इधर एल से मांगे ई मतलब नीचे एल से मांगे आर ऊपर आ गया टू ई नीचे एल से मांगे एन आर ऊपर आ गया टू अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तो ऊपर लेके चला जाओ देखो टू ई एन आर डिवाइडेड बाई टू इन टू आर 2R ने 2R को मारा NE तो ये तो मैं बोल रहा था कि जब सारे पैरेलल में आ जाएंगे तो NE ही इक्विवेलेंट रहने वाला है और यहाँ का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा NR by 2 लेकिन इस 2 की जगह क्या आ जाएगा M क्योंकि M सेल्स थी M सेल्स मतलब M रोज इन सीरीज लगाई थी तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों M सॉरी NR by M तो I इन द सर्किट कितना आ जाएगा बच्चों E by R तो E तो N नहीं बना R की वैल्यू ये वाला R प्लस लोड रेजिस्टेंस जो भी लगाओगे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा लो तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय प्लस NR प्लस M अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना तो LCM ले लो M इंटू कैपिटल R प्लस N इंटू R M ऊपर आ जाएगा तो कितना आ गया बच्चों एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर ये मिक्स ग्रुपिंग होती है तो रियलिटी में जो जितनी भी बैटरीज बनती है ना ये इन्वर्टर वगैरह की बैटरीज ये सब मिक्स ग्रुपिंग का ही कॉम्बिनेशन होता है ठीक है ना भाई चलिए थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू जय हिंद जय भारत